सर अगर सामने कोई बंदा खड़ा हो आप उसकी तस्वीर कितने दायरे में बना सकते हो? मतलब क्विक स्केच, यानी कि जल्दी स्केच करूं तो 15 मिनट में। जी सर वो गोल्डन टेंपल की तस्वीर है और ये गुरु गोबिंद सिंह जी की है सर, ये खुद से बनाई हुई है? अच्छा बनाई, ये तो यहीं पे खड़ के ही बनाई हुई है मैंने और ये लगभग 1 घंटे, हाँ 1 घंटे। तस्वीर बनाने को कितना टाइम लग जाता है? क्योंकि अगर बात करें तस्वीर की, हूबहू उसी की तरह बनाना, हर एक चीज का एंगल देना बहुत मुश्किल होता होगा। अगर हम हाइपर रियलिस्टिक काम कर रहे हैं तो 4 घंटे 5 घंटे और एक्स्ट्रा मतलब कि हाइपर रियलिस्टिक कर रहे हैं तो 40 घंटे 50 घंटे, तब जितना टाइम देंगे उतना बनेगा। तो घर वालों का कैसे रिएक्शन था आपके? घर वालों का तो हमेशा से ही बढ़िया रहा है और वो हमेशा से सपोर्ट किए हैं, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। और कुछ लोग तो जो इस चीज़ को जानते हैं वो तो सराहना करते हैं और जो इसको नहीं जानते हैं, अरे ये क्या चीज़ है, ये तो कुछ नहीं है। और बहुत काफ़ी लोग आते हैं, अच्छी सराहनाएँ करके जाते हैं कि हाँ काफ़ी अच्छा काम है, मतलब उनको जिनको काम पता है वो काम देख के जाते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹਨੀਆ ਮਲਿਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੂਬਰ ਰੂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਖੰਨਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, बढ़िया जी बढ़िया। तो सर अगर आपकी पिक्चर्स को लेके बात की जाए, तस्वीर जो है सर, ये आपको कहाँ से शौक पड़ा? शौक तो बचपन से ही, मतलब कुछ काज तो मैं करता था, थोड़ी थोड़ी दीवारों पे खींचना या फिर कोई बुक्स के, मतलब बुक्स कॉमिक्स को देख के ड्रॉ करना जी। तो फिर धीरे धीरे ऐसा चलता रहा, फिर उसके बाद में मेरे को ये पता चला कि इस चीज़ की पढ़ाई भी होती है, क्योंकि मैं गांव से हूं तो मेरे को इतना पता नहीं था कि गांव में ये चीज़ के बारे में पता नहीं होता है जी। फिर उसके बाद वहां से, मतलब मैं पता किया कि ये चीज़ की पढ़ाई होती है, फिर मेरे को पता लगा, फिर मैं वहां गया, फिर कॉलेज देखा, फिर कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर अभी स्टडी चली रही है अभी। तो एक पिक्चर्स को कितना टाइम लग जाता है, एक तस्वीर बनाने को कितना टाइम लग जाता है? क्योंकि अगर बात करें तस्वीर की, हूबहू उसी की तरह बनाना, हर एक चीज़ का एंगल देना बहुत मुश्किल होता होगा। तो ऐसा है कि मतलब कि जिस तरीके की ड्राइंग होती है, मतलब उस तरीके का टाइम लगता है। अगर हम हाइपर रियलिस्टिक काम कर रहे हैं तो 4 घंटे 5 घंटे और एक्स्ट्रा मतलब कि हाइपर रियलिस्टिक कर रहे हैं तो 40 घंटे 50 घंटे, मतलब जितना टाइम देंगे उतना बनेगा। और जैसे कि लोगों को तुरंत तुरंत रफली स्केचेस देते हैं तो वो 20 मिनट 15 मिनट में ऐसा स्केच करके दे देते हैं। ये एक बड़ी अलग कला है ना, तो ये टैटू के बीच में आती है ना ही ये फोटोग्राफी के बीच में आती है, ये एक बहुत ही अलग कला है जो कि पेंसिल के थ्रू एक तुम तस्वीर बना रहे हो, वो भी रूबरू उस इंसान की जो आप बिल्कुल सामने देख रहे हो। सर घर वालों का कैसे रिएक्शन था आपके? घर वालों का तो हमेशा से ही बढ़िया रहा है और वो हमेशा से सपोर्ट किए हैं, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो ऐसा कुछ, मतलब उनका और डायरेक्शन नहीं था कि नहीं क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। बस मेरे पापा ने ये पूछा कि इसमें कुछ अच्छा कर लोगे, मैंने कहा हाँ, तो फिर उन्होंने ये पढ़ाई करने के लिए। लगता है कि जितना टाइम, आपकी उम्र कितनी है पहले? ये 18 साल। 18 साल की उम्र है तो लगता है आने वाले टाइम में आप सेट हो जाओगे इसी बिजनेस में? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल एकदम पूरा फुल बाई फुल एकदम 100 to 100। इतना ओवर कॉन्फिडेंस देख के तो हम भी आशा करेंगे कि आप हमें जरूर बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दे। सर अगर बात की जाए आपकी पिक्चर्स की, आपकी तस्वीरों की, एक आपने बोला है कि ये डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी है और किस तरीके से बनानी है। सर अगर सामने कोई बंदा खड़ा हो आप उसकी तस्वीर कितने दायरे में बना सकते हो?
मतलब क्विक स्केच यानी कि जल्दी स्केच करूं तो 15 मिनट में। हाँ जी हाँ जी, 15 मिनट में क्विक स्केच करूं तो 15 मिनट में, और ज़्यादा डिटेल में काम करूं तो 3 घंटे या फिर 2 घंटे इतना लग जाएगा। सिर्फ आप स्केचिंग करते हो, कलर्स वगैरह भी करते हो? नहीं, सब सब मैं ऑल मीडियम, सब मैं जितना सारा कुछ पढ़ता हूँ सारा कुछ अप्लाई करता हूँ मैं। जैसे सर वो गोल्डन टेम्पल की तस्वीर है और ये गुरु गोबिंद सिंह जी की है, सर ये खुद से बनाई हुई है? खुद से बनाई, ये तो यहीं पर खड़के ही बनाई हुई है मैंने, और ये लगभग 1 घंटे, हाँ 1 घंटे लगेंगे इसको बनाने में। हाँ जी हाँ जी। सर माइंड में पूरा स्क्रैच कर हर एक चीज़ है कि स्क्रैच कर लेते हो कि हाँ इसको ऐसे कैप्चर कर लेते हो कि इसको ऐसे बना करना है और इसको ऐसे करना है? हाँ जी हाँ जी, मतलब ना कि ये तो थोड़ी सी मैंने रेफरेंस की सहायता ली हुई है, और एक ये होता है ना कि जब हम स्टडी करते हैं तो हमें फेस का वो पता होता है कि हाँ मतलब फेस इस एंगल में है, इस एंगल का फेस है, मतलब किस एंगल का फेस है तो कैसे बनेगा। टाइम लगा इसको बनाने? इसको बनाने में लगभग वही 45 मिनट इसको लगे होंगे। हाँ जी, मतलब कहने का मतलब ये है अगर आपको एग्जैक्टली आपको ना जो है करेक्टर मिल जाए, आप 45 से 1 घंटे में जो है तस्वीर बना सकते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लोगों के द्वारा कैसे कमेंट मिलते हैं, क्योंकि कुछ होते हैं मोटिवेट करते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, कुछ होते हैं डिमोटिवेट करो नहीं ये कोई काम है करने वाला, क्या कैसे कमेंट्स मिलते हैं? नहीं तो मतलब कमेंट्स तो बहुत सारे मिलते हैं, बहुत तरीके के मिलते हैं, और कुछ लोग तो जो इस चीज़ को जानते हैं वो तो सराहना करते हैं, और जो इसको नहीं जानते हैं अरे ये क्या चीज़ है ये तो कुछ नहीं है, और बहुत काफ़ी लोग आते हैं अच्छी सराहनाएं करके जाते हैं कि हाँ काफ़ी अच्छा काम है, मतलब उनको जिनको काम पता है वो काम देख के जाते हैं और काम की सराहना करते हैं। तस्वीरों को लेके आपका क्या सपना है? हर एक जैसे एक सिंगर होता है उसका सपना होता है कि मैं नेहा कक्कड़ से मिलूं, अगर छोटा बच्चा अगर एक्टर है उसका तो है कि मैं सलमान खान से मिलूं, आप एक आर्टिस्ट हो वो भी एक तस्वीरें बनाते हो, आपका क्या सपना है? और मेरा सपना है मेरे एक जैसे कि हम इंडस्ट्री में जानते हैं कि एक अमिताभ बच्चन जैसे इंडस्ट्री में हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो ऐसे आर्ट इंडस्ट्री में ना एक वासुदेव कामत करके हैं, जैसे मैंने मैंने तुलना करी हुई है, मैं औरों का नहीं पता, मैंने तुलना करी है तो उनके मतलब के साथ मैंने मुझे वर्क करने का मौका मिले, और विश्वाल सर हैं और मनोज साकले सर हैं, ऐसे मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं तो जो मेरे आइडियल हैं, मैं उनको बहुत मानता हूँ तो उनके साथ काम करना मैं चाहूँगा। जिवें कि तुसी देख सकते हो फाइनली जिहड़ी तस्वीर आ उह बण के साडे सामने आ चुकी है, ते जिहड़े कि देख सकते हो बिल्कुल ऐ लगदे रूबरूब जिवें कि कृष्णा जी ही ने, ते सर नाल असीं पुछांगे सर इह फोटो जिहड़ी तुसी बनाई है माइंड विच ही सीगा तुहाडा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये माइंड में ही चलता रहता है क्योंकि ये मैंने उनके बच्चे का कैरेक्टर मतलब बनाया है, तो वो बच्चे का कैरेक्टर ही है तो दिमाग में ऐसा हमने स्टडी करी हुई है तो इस करके चलता रहता है। तो जिवें कि तुसी देख सकते हो एक थोड़े जे टाइम दे विच ही जिहड़ी है फाइनल इन्नी सोहनी जिहड़ी तस्वीर आ बन चुकी है, तो तुसी भी कमेंट सैशन विच कमेंट करके जरूर दसो ती कि ये जिहड़े इन्ने भाई दा टैलेंट आ किदां दा लग्गिया, ते इदां दी अपडेट्स लई साडे नाल जुड़े रहो ते देखते रहो सिटी हैडलाइन। मैं नेहा मलिक, कैमरा परसन करण कुमार।